कमोन मेरे बच्चे कमोन, तुझे दुनिया का सबसे बड़ा मैका जायंट कैमरामैन बनना होगा और इसकी बड़ी टॉयलेट गॉड के आतंक को इस दुनिया को बचाना होगा। बिल्कुल सही कहा पापा जी, अभी तो गाइस मैं सिर्फ 1 साल का हूँ, मेरे पापा जी तो कम से कम 5-6 लाख साल के हैं और मेरी एज बढ़ेगी तो मैं अपने पापा से ही बढ़ाऊंगा। गाइस इसको देखिए, यह है 10,000 साल का इसकी बड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर। इसकी आर्मी ने ना जाने कितने मासूम कैमरामैन टीवी मैन के बिजनेसिस पे कब्जा कर रखा है। ये लोग कभी भी मेहनत नहीं करते, दूसरों की मेहनत का खाते हैं और उनको नीचे दबाते हैं अपने ऊपर से। गाइस एक और खतरनाक है जीमैन टॉयलेट गॉड, बहुत ही खतरनाक है वो। मेरे बच्चे तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी हम इनको हराएंगे और अपनी दुनिया को इनसे आजाद करेंगे। गाइस ये लोग बहुत बुरे हैं, ये किसी दूसरी दुनिया में जाते हैं जिनको इंसानों का वर्ल्ड कहा जाता है और ये मासूम इंसानों को उनकी दुनिया से किडनैप करते हैं और अपनी दुनिया में लाके उनको खाते हैं। अरे कोई बचाओ हमको, अरे नहीं हमें बचाओ, हमारी दुनिया में वापस भेजो। एक दिन गाइस मैं इंसानों को और अपनी दुनिया को यहाँ पर इन स्केबिटी टॉयलेट मॉन्स्टर से आजाद कराऊंगा। मेरे बच्चे उसकी चिंता तू मत कर। और गाइस इनको देखिए, इनकी एज तो सबसे ज्यादा है 25 लाख साल, 19 लाख 20 लाख। ये सबसे बड़े खतरनाक जायंट स्किबिडी टॉयलेट गॉड है, ये जीमेन टॉयलेट गॉड है और इसका दूसरा वाला साथी वो है लावा टॉयलेट गॉड। और गाइस ये है आइस टॉयलेट गॉड, ये सबको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ये मेरे पापा को पसंद नहीं करते। ओह माय गॉड, आज तो इन्होंने पता नहीं किसी और की फैमिली को किडनैप कर लिया। अरे हमको बचाओ और हमको ये मार देंगे और हम धरतीवासी हैं। अरे मेरे बच्चे मुझे जल्दी जाना होगा, धरतीवासी मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। पापा जी मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। नहीं मेरे बच्चे तू अभी सिर्फ 1 साल का है, तुझे ट्रेनिंग करनी है। मैं 5 लाख साल का हूं, मैं जा रहा हूं। पापा जी सुनिए तो, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर जाइए। गाइस मेरे पापा तो अकेले लड़ाई करने चले गए, मुझे उनके साथ जाना था। ओह माय गॉड पापा जी मैं आ रहा हूं आपके साथ। हे टॉयलेट गॉड्स यहां पर उन मासूम धरतीवासियों को छोड़ दो। ये कीड़ा कौन है और तू कौन है? मैं यहां पर रखवाला हूं, मैं हूं मैं का कैमरामैन। मैं यहां पर अपनी प्यारी दुनिया को और अपने प्यारे बच्चे को तुम लोगों के चंगुल से आजाद कराऊंगा। पापा जी आप ऐसा नहीं कर सकते, पापा जी वो बहुत ताकतवर है, वो आपको मार देंगे। अरे स्किबड़ी स्किबड़ी लगता है इस कैमरामैन का अंत आ चुका है। बिल्कुल सही कहा स्किबड़ी स्किबड़ी। गाइस अगर आप चाहते हैं मेरे पापा जी जीते और ये जीमैन टॉयलेट गॉड हारे तो जल्दी प्लीज वीडियो लाइक कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। मेरे बच्चे जल्दी भाग यहां से। लेकिन क्यों पापा जी ये लोग मुझ पे अटैक कर रहे हैं? नहीं पापा जी आपको जीतना होगा। मेरे बच्चे बहुत ताकतवर है, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं इनके सामने कमजोर हूं, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। पापा जी अगर आज मेरी एज ज्यादा होती, मैं यहाँ पर करोड़ों साल का होता और मैं आपसे भी बड़ा होता तो आपको जरूर बचा लेता। पापा जी मैं आपको बचा लूंगा, प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए। हला बाप ले, मुझे यहाँ पर इस खतरनाक दुनिया में मरना नहीं है, मैं किसी भी हालत में दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक गॉड बनूंगा। गाइस वो ब्लैक बेबी हल्क क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड गाइस इस बेबी ने तो $100 मिलियन चुरा लिए इसकी ब्रिटिश टॉयलेट गॉड के। ये क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर टीवी मैन बनूंगा, वो भी दुनिया का सबसे खतरनाक एज वाला सूट खरीदूंगा। क्या एज का सूट खरीद सकता है? ओह माय गॉड ये तो रेड टीवी मैन एज सूट शॉप की साइट है। ओरे पॉप रे गाइस उस छोटे से ब्लैक बेबी ने 10 लाख साल का रेड टीवी मैन का सूट खरीद लिया, अब ये शायद हमारी दुनिया को बचा लेगा। मैं अब तुझे खत्म कर दूंगा इसके भी टॉयलेट गॉड, ये लो। अरे इसके बड़े इसके बड़े ये क्या, इसने हमारा पैसा चुरा के हम ही की है गद्दारी की। और उसके बड़े इसके बड़े चलो इसको इसकी फैमिली के साथ मार देते हैं इसके बड़े इसके बड़े। अरे नहीं गाइस देखिए यहां पर वो बेचारा अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना बड़ा सूट खरीदा लेकिन फिर भी इनसे पिट गया। शायद इनसे लड़ने के लिए 10 लाख एज बहुत कम है, इनसे लड़ने के लिए करोड़ों साल चाहिए तभी हमको हरा सकते हैं। इन गॉड्स की उम्र 25 लाख 20 साल है और विश्व बेचारे बेबी के सूट की सिर्फ 10 लाख साल थी। ओह नो गाइस मुझे उस बेबी का सूट चाहिए। नहीं मैं सूट तो नहीं ले सकता, खराब हो गया है, लेकिन ये स्मार्टफोन ले लेता हूं। गाइस मैंने यहां पर इस बेबी का स्मार्टफोन ले लिया है और मैं यहां पर जल्दी भागता हूं, मुझे अपने पापा का अगर बदला लेना है, मुझे धरतीवासियों को और अपनी दुनिया के टीवी मैन कैमरामैन को बचाना है तो यहां पर इन सबसे लड़ने के लिए मुझे भी कैमरामैन की सूट शॉप पे जाना होगा। गाइस ये तो लॉक्ड है, आप लोग प्लीज लाइक बटन जरूर दबाना। गाइस मेरे पास $1 है, ये मुझे मेरे पापा जी ने दिया था। गाइस मैं इस डॉलर में एक कैमरामैन का सूट खरीद लेता हूं, पता नहीं मेरी एज अभी सिर्फ 1 साल है, आगे कितनी ईयर हो जाएगी। अरे वाह गाइस मैं तो यहां पे 78 इयर्स का हो गया और गाइस मैं तो 3-हेडेड सियान कैमरामैन बन चुका हूं। लेकिन मुझे मैका कैमरा मैन बनना है, अपने पापा से भी बहादुर, मेरे पापा बहुत बहादुर थे। गाइस अपने कैमरामैन का फिल्टर चूज करें, एक मिनट ये तो फायर फिल्टर है। वाह गाइस देखिए जैसे मेरे पापा कर पाते थे ऐसे ही मैं कर रहा हूं, बस मेरा फिल्टर थोड़ा छोटा सा है, मेरे पास कम एज वाला सूट है ना। गाइस चलो इस फायर को जल्दी हटा देते हैं, क्या बहुत है गाइस मैं चीजें बिगाड़ भी सकता हूं और उनको ठीक भी कर सकता हूं। हो रहे दोस्तों चलो जल्दी जाते हैं और जिसको भी हमारी मदद चाहिए हम उसकी मदद जरूर करेंगे। एक मिनट दोस्तों वो क्या हो रहा है सामने, मैं अपने आप को कैमरे से दिखाता हूं कि असल में मुझे वहां से कुछ सिग्नल आता है। और उसके बड़े उसके बड़े मैं तुझे मार दूंगा, ये इलाका मेरा है। नहीं इसके बड़े ये इलाका मेरा
मेरा है, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको मैं खाऊंगा। ओह नो, यहाँ पर ये लोग टीवी मैन को और साथ साथ में बाकी मासूम कैमरा मैन को किडनैप करके रखे हैं और उनको खाने के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इसके बड़ा तू पिटेगा, नहीं इसके बड़ी तू पिटेगा, ये लोग मेरा खाना है। गाइस, वो मासूम टीवी मैन और कैमरा मैन को खा रहे हैं, मुझे जल्दी रोकना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं यहाँ पर आ तो चुका हूँ, मुझे सबसे पहले इनकी लड़ाई रोकनी होगी। इनकी लड़ाई की वजह से इस इलाके में बहुत ज्यादा खतरनाक भूकंप आ चुका है। हेलो प्लीज स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर जी, एक दूसरे से लड़िए मत, मेरी बात सुनिए, लड़कर कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ पर पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और ये कौन सा नया कैमरा मैन है, ए, इसको मैं खाऊंगा, इसके बड़े स्पेशल है, इसको मार के खाते हैं। अरे पापरे, ये दोनों तो मुझ पे अटैक शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे पापा जी होते तो क्या करते। सोच गाइस आईडिया, मैं यहां पर एक काम करता हूं, वो जो रेड स्किबिडी टॉयलेट है ना उसके पास में फिल्टर लगा लेता हूं। गाइस मैं एक वाटर फिल्टर लगा देता हूं, इतना पानी कर दूंगा यहां पर ये फिसल जाएगा, इसके वैसे भी पैर नहीं है, ठीक से चल नहीं पाता है। और इसके बड़े नीचे इतनी फिसलन क्यों हो रही है, इसके बड़े गाइस देखिए, मैंने चारों तरफ अपने फिल्टर से पानी कर दिया है, अब ये रेड स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर जरूर गिरेगा। और ना ही इसके बड़े, मेरा तो पैर फिसल गया, इतनी ज्यादा गीली मिट्टी हो गई, इसके बड़े मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बड़े अब तो तू मरेगा, अब मैं तुझे खत्म करके यहां पर तुझे भी खा जाऊंगा, इसके बड़े और मेरी एज करोड़ों साल हो जाएगी। इसके बड़े ओह नो, ये क्या, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, यहां पर एक और आया तो दूसरे को जितवा दिया। नहीं 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 गाइस, मुझे यहां पर इस ब्लू स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर का कुछ करना होगा। अरे बाप रे, इसके चक्कर में मैं भी पिट रहा हूं। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, जिस तरह से मैंने रेड स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर के नीचे पानी लगा दिया था, मैं भी यहां पर ब्लू स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर के नीचे पानी लगा देता हूं, ये भी फिसल के नीचे जाके गिरेगा और यहां पर उन लोगों को बचा लूंगा। अरे इसके बड़े ये मेरे पैरों में फिसलन कैसे होने लगी, इसके बड़े गाइस देखिए, यहां पर इतना ज्यादा पानी है, अब तो ये गया। अरे नहीं इसके बड़े अरे मैं दब गया, इसके बड़े मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कैमरामैन। गाइस वाह, यहां पर इन लोगों की जैसी लड़ाई रुकी, देखिए मौसम कितना साफ हो चुका है। अरे वाह बच्चे तूने कमाल कर दिया। ओ भाई बच्चे, ओ थैंक यू सो मच, हम तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। किस तरह का गिफ्ट? ये ले, तू अपने पापा से भी बहादुर बनेगा और हमारी दुनिया को इनसे आजाद करवाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, देखा मुझे यहाँ पर लोगों ने $10 million दिए, क्या पता इतने में मैं यहाँ पर और भी बढ़िया एज वाला कैमरामैन का सूट खरीद पाऊँ। चलो गाइस जल्दी से निकालते हैं वेबसाइट। गाइस देखिए, टॉप पे एक $10 million का सूट है, पता नहीं ये कैसा दिखता होगा, देखते हैं इसको कैसा दिखता है। ओह माय गॉड यार, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूट लग रहा है, दिखने में डेंजरस टाइप का, अभी बाय करता हूँ। गाइस मैं यहाँ पर 5000 साल का ब्लैक कैमरामैन बन गया और पहले से जायंट लग रहा हूँ मैं, मतलब यार देखिए मैं तो पूरा मैन लग रहा हूँ। मैं इस यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका फिल्टर, ये टेलीपोर्ट फिल्टर क्या है, गाइस इस टेलीपोर्ट फिल्टर यूज करते हैं। वाह, मैं तो पेड़ के एकदम टॉप पे भाई टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन शायद मैं गलत जगह टेलीपोर्ट हो गया। अरे पैराशूट खोलता हूँ जल्दी, मेरे कैमरा पैराशूट दे मुझे। ओह माय गॉड गाइस, क्या बात है, ये वाला सूट बहुत ही ऑसम है। गाइस चलो एक काम करते हैं, जल्दी से चेक करते हैं कि असल में हमारी दुनिया में हो क्या रहा है। आइडिया, यहाँ पर न्यूज चेक करता हूँ। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर इंसानों की दुनिया में सारे स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर ने तबाही मचा दी है, वो अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये ब्रेकिंग न्यूज तो अर्थ वर्ल्ड से आ रही है, मुझे अर्थ वर्ल्ड पे जाना पड़ेगा गाइस, उस धरती में जहां पर इंसान रहते हैं। मेरी धरती पे तो यहाँ पर कैमरामैन, स्पीकर मैन और ये स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर रहते हैं। गाइस हमें जाके उन लोगों को बचाना होगा। इसके बड़े यही रास्ता है इंसानों की दुनिया में जाने का। और बिल्कुल इसके बड़े अब तो हम वहीं रहेंगे। ओह नो, मुझे सबसे पहले इनको रोकना होगा, मैं एक एक को धरती पर जाने से रोकूंगा जहां इंसान रहते हैं। मुझे यहां पर अपने पापा के लिए सबकी हिफाजत रखनी होगी। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मैंने निकाला ये फिल्टर, इनको कर देता हूं मैं यहां से ब्लास्ट। ऑलराइट गाइस देखिए, खतरनाक कैमरा ब्लास्ट किया मैंने इनको। अरे इसके बड़े जला दिया। गाइस चलो अब जल्दी से धरती पे जाते हैं, मैं पहली बार इंसानों की दुनिया में जा रहा हूं, पता नहीं कैसी है। अरे बाप रे, ये क्या, ओ माय गॉड, ये मैं कहां पर आ गया। इसके बड़े सबको मारो। एक मिनट, ये किस चीज, अरे बाप रे गाइस, ये क्या चीज है भाई, यहां पर इतने बड़े-बड़े पेड़ होते हैं क्या? नहीं, ये पेड़ नहीं है, पापा जी बताया करते थे इंसान ना यहाँ पर घर बना के रहते हैं, तो शायद ये वही चीज है। और गाइस ये वाटर स्किबिडी, आइस स्किबिडी और पता नहीं किस किस तरह के स्किबिडी टॉयलेट कोट यहाँ आ गए। अरे इसके बड़े हमारी दुनिया में कुछ नहीं बचा, हमने सारे कैमरामैन और स्पीकरमैन को ऑलरेडी मार दिया। बिल्कुल सही कहा इसके बड़े हम इंसानों को तबाह करेंगे। इसके बड़े अरे बचाओ हमको, अरे नहीं बचाओ। ओह नो गाइस, यहाँ पर इन्होंने हमारे वर्ल्ड को तबाह कर दिया, तब ये ह्यूमंस के वर्ल्ड को तबाह करने आ गए। मुझे इन सबको रोकना पड़ेगा। देखिए कैसे लोगों को मारे, जल्दी करता हूँ। अरे बाप रे, ध्यान से जाना पड़ेगा। काश इस दुनिया के इंसान वाले मेरे को यहाँ पर सपोर्ट करें, क्योंकि जितने भी इंसान अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं इतना ही जल्दी यहाँ पर बड़ा वाला कैमरामैन बनके इन सब को हरा पाऊंगा। आइडिया गाइस, मैं सबसे पहले इसी में, ये एक आइस टॉयलेट गॉड है, तो मैं इसमें फायर लगा देता हूँ। वाह, मैंने इसमें आग लगा दी। गाइस ये बर्फ का है तो जल्दी
पिघल जाएगा। अरे स्किबिडी स्किबिडी, ये मेरे पैरों में आग किसने लगाई है? खैर मुझे उससे क्या, मैं उसको मार दूंगा। अरे बाप रे गाइस, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। गाइस वो आइस टॉयलेट स्किबिडी कॉर्ड बहुत खतरनाक है। ओह नो, मेरी वजह से ना जाने कितने लोग मर रहे हैं, मुझे जल्दी यहां से हटना पड़ेगा। अरे बाप रे, मैं क्या करूं गाइस, इन लोगों को कैसे हराऊं? काश मेरे पास बड़ा सूट खरीदने के लिए पैसे होते। गाइस मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, अब मैं इससे काफी दूरी पर हूं, ये मुझे देख नहीं पाएगा। ये कौन सा क्रैश फिल्टर? ओह माय गॉड, यहां पर देखिए जितने भी एरोप्लेन थे वो ऑटोमेटिकली आके इसमें क्रैश हो रहे हैं। क्या खतरनाक फिल्टर है मेरे पास। अरे स्किबिडी स्किबिडी, ये क्या, नहीं स्किबिडी स्किबिडी बहुत जोर से लग रही है। गाइस शुक्र की बात तो ये जितने भी प्लेन है इसमें ह्यूमंस नहीं है, मतलब यहां पर इंसानों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन देखिए उस स्किबिडी टॉयलेट गॉड की बैंड हुई। अरे स्किबिडी स्किबिडी, ये कैमरामैन कर रहा है स्किबिडी स्किबिडी। रुको बेटा, तुम लोगों पर अभी मिटियोर शावर को एक्टिवेट करता हूं। गाइस मिटियोर शावर, मैं तो नॉर्मल टाइप का फिल्टर समझ रहा था यार, बेसक मैं सिर्फ 5000 साल का हूं, लेकिन क्या खतरनाक खतरनाक पावर से मेरे साथ, पापा देख के बहुत खुश हो जाएंगे। एक मिनट दोस्तों, मेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग क्यों कर रहा है, चेक करता हूं। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा उसे ट्रिंग ट्रिंग कर रहा है। अरे बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारी दुनिया में इंसानों को बचाने आए, तुम्हारे पापा बहुत महान थे, हम उनको अच्छे से जानते थे, हमारी तरफ से तोहफा रख लो। अरे बाप रे गाइस, मेरे पापा इस दुनिया में आया करते थे लोगों को बचाने, और अब मैं भी आ गया हूं। ऑलराइट दोस्तों, जब तक मैं इस दुनिया के हर एक इंसान को नहीं बचा लूंगा यहां से जाऊंगा नहीं, इसलिए गाइस अब हम $50 मिलियन में एक और खतरनाक सूट खरीदने वाले हैं। देखते गाइस ये $50 मिलियन में, ओह माय गॉड, ये तो पिंक कैमरामैन का सूट है। गाइस ये कैसा होगा यार, वाह मैं तो जायंट पिंक कैमरामैन बन गया। और गाइस मेरी एज देखिए यार, मैं तो 6 लाख साल का हो गया। गाइस मुझे लगता है अब धरती वापस से एकदम खुशहाल हो चुकी है, मतलब इंसानों की दुनिया एकदम खुश हो गई है, अब मैं अपने वर्ल्ड में वापस आ गया। ऑलराइट दोस्तों, मुझे अपने वर्ल्ड में देखना होगा। कोई प्लीज हमें बचाओ, इन लोगों ने हमारा बच्चा मार दिया और अभी अपनी लड़ाई के चक्कर में मारेंगे। बिल्कुल सही कहा, प्लीज हमें छोड़ दो। स्किबिडी स्किबिडी, लावा टॉयलेट गॉड, ये वर्ल्ड मेरा है। स्किबिडी स्किबिडी, तू जाके इंसानों की दुनिया पे कब्जा कर। नो स्किबिडी स्किबिडी, ये वर्ल्ड मेरा है। स्किबिडी स्किबिडी, गाइस नहीं, यहां पर लावा स्किबिडी टॉयलेट गॉड और साथ-साथ में जी मैन स्किबिडी टॉयलेट गॉड लड़ने जा रहे हैं। तुम लोग अपनी लड़ाई बंद करो। एक तो ये इतने बड़े हैं कि लिटरली मैं इन पे शूट भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। कम ऑन, मैं इसको हरा करूंगा। बहुत हो गया गाइस, मुझे यहां पर इस पे फिल्टर लगाना होगा। आईडिया, मैं यहां पर इस पे लगा देता हूं मिट्टी और शावर वाला फिल्टर। क्या बात है गाइस, देखिए यहां पर मैंने जैसे ही मिट्टी और शावर फिल्टर लगाया, चारों तरफ से तबाही आके इसको लग रही है। और उसके बड़ा उसके बड़े, मैं तो जा छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे गाइस, ये लावा इसकी भी टॉयलेट बहुत खतरनाक है। इसके बड़े सबसे पहले इस कैमरामैन को खा जाता हूं। ओह नो, इससे पहले कि ये मुझे मारे, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना होगा। काश गाइस मेरे पास $100 मिलियन होते, इतने पैसे में मैं यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मैका। एक मिनट गाइस, ये लोग कौन है? अरे भाई बड़ी मुश्किल में है इस दुनिया में। अरे भाई कैमरामैन कहां है? अरे कैमरामैन जी कहां है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एक मिनट गाइस, ये तो ह्यूमंस है, आप लोग हमारे वर्ल्ड में क्यों आए? प्लीज आप चले जाइए, आपका वर्ल्ड अब सेफ है, ये वर्ल्ड सेफ नहीं है। अरे भाई हम तुझे बचाने आए, हमारे पास जितना भी पैसा है हम तुझे देने आए। लेकिन क्यों? जिससे कि तू यहां पर जितने भी टॉयलेट गॉड्स हैं की बैंड बजा सके और अपने पापा का बदला ले सके। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे यहां पर $120 मिलियन मिल गए। इतने में तो गाइस एंड का सबसे खतरनाक सूट होगा। मैं तो इसको 100 मिलियन का सोच रहा था, लेकिन एक तो 20 का मिल गया। ओह माय गॉड, ये तो अभी तक का सबसे खतरनाक मैका गोल्डन 300 जायंट कैमरामैन का सूट है। गाइस मेरी एज देखिए 30 लाख साल, मैं तो इनके टॉयलेट गॉड से बड़ा हो गया। हालांकि मेरी एज छोटी है, लेकिन गाइस मेरी पावर्स कुछ कम नहीं है। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं, ये लो स्किबिडी स्किबिडी, ये लो। और स्किबिडी स्किबिडी, इसने तो पकड़ लिया मुझे। अरे नहीं स्किबिडी स्किबिडी, इसने तो मुझे भी पकड़ लिया। स्किबिडी स्किबिडी, ओह माय गॉड गाइस देखिए क्या खतरनाक कैमरा ब्लास्ट किया। और दोस्तों अब समय आ गया लोगों को अपनी दुनिया से दूर फेंकने का। नहीं स्किबिडी स्किबिडी, कितना बुरा मारा। अरे बाप रे, मेरा कैमरा ब्लास्ट, कैमरा एक्सप्लोजन, साथ साथ में फायर फिल्टर, इन सब की बैंड बजा रहा है। ऑलराइट दोस्तों, मैंने यहां पर इन सभी को डिफीट कर दिया है, इनको मैं किसी डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड में भेज देता हूं। ये किया मैंने टेलीपोर्ट। ओके गाइस, और मेरी दुनिया पहले जैसी शुद्ध एंड साफ हो चुकी है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।